अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले की वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, लास्ट दो से तीन दिन से काफी ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से एक से दो गेम प्ले जो है ना तुम्हारा भाई विद वॉइस ओवर नहीं कर पाया अपलोड। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज का गेम प्ले तुम लोगों को हैवी वाला दिखा दिया जाए, वो भी बहुत ही ओपी वॉइस ओवर के साथ। साथ साथ में तुम लोगों को यह भी बता चलूँ कि यार ये जो गेम प्ले है ना ये रैंडम्स के साथ होने वाला है, और इस गेम प्ले के बाद दोस्तों ये तीनों के तीनों भाई तुम्हारे भाई के जो है ना वो फैन हो गए थे। और मैं बेट करता हूँ अगर तुम लोग भी ये गेम प्ले पूरा वॉच करोगे ना तो इंशाल्लाह तुम भी अपने भाई की गेम के जरूर फैन हो जाओगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं मेरे टाइम में इसकी गेम प्ले की तरफ, और तुम लोगों को आगे कि मैं फाइट सीन एंजॉय करवाता हूं, क्योंकि भाई तुम लोगों को पता ही है तुम्हारा भाई ना सीधा सीधा पुश मारने वाला गेम प्ले खेलता है, रश गेम प्ले खेलता है, और इवेंट में तो तुम लोगों को तो पता ही है कैसी दामनदार फाइट होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते गेम प्ले की तरफ, आ जाओ मेरे साथ। Awesome. अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ना यहाँ पर ये बताओ कि तुम लोगों ने नोट किया कि नहीं कि शॉटगन की जो दो एमओ है ना वो उस बंदे को पड़ी थी यार, फिर भी ये बंदा जो है ना वो नॉक नहीं हो रहा था यार। लिटरली मैंने तो बोला कि मेरी पेटी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, लेकिन किसी तरह तुम्हारे भाई ने यहाँ पे सर्वाइव करके ना इस बंदे की पेटी बना दी। लेकिन इस चीज की अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि उस बंदे को मेरी दो शॉटगन की एमओ पड़ी थी या सिर्फ वो मुझे धुआं ही निकलता हुआ नजर आया था कि हाँ उसको डैमेज हुआ है। तो तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि उस बंदे को डैमेज मिला था या नहीं मिला था। चलते हैं सीधा एक्सपर्ट सीन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ मेरे साथ। Awesome. Please recall me. Number two, I think I'll put the number two. Thank you. Awesome. Thank you. I'm recalling a teammate. Thanks. Thank you. ये बाबा जी, देखो दोस्तों कैसा लगा तुम लोगों को अपने भाई का ये ओपी वाला गेम प्ले, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब यहां पर इवेंट पे तुम्हारे भाई के 5-5 किल निकल चुके थे, और सबसे अच्छी बात ये कि तुम्हारे भाई का जो रिकॉल है ना वो अभी तक जाया नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों हमें डांसिंग लाइन नजर आया, मैंने यहां पर इस बंदे से फाइट लेने की कोशिश की और इसका डांसिंग लाइन मैंने फाड़ के रख दिया था। लेकिन तब भी यार ये बंदा जो है ना वो फाइट नहीं लेना चाह रहा था, तब मैंने सोचा यार जोन मेरे पे भी नहीं है तो क्यों ना पहले अपने टीममेट्स को रिकॉल किया जाए, उसके बाद तुम लोगों को नेक्स्ट फाइट सीन दिखाता हूं। और एंडिंग जो होने वाली है ना लिटरली वो तो कमाल की होने वाली है। तुम्हारा भाई लास्ट पे 1v3 1v4 करने वाला है, तो उसको देखने के लिए तुम लोगों को आगे का गेम प्ले जरूर इंजॉय करना पड़ेगा। तो आ जाओ, पहले तो अपने टीममेट्स को रिकॉल करते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट फाइट सीन की तरफ। आ जाओ मेरे साथ। I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out.
Awesome. अच्छा फ्रेंड्स, अब तुम लोगों ने यहाँ पर देखा कि तुम्हारे भाई ने ना वो 1 vs 3 तो यहाँ पर कर ही दिया था, लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बंदे को फिनिश किया था, उसके अलावा दोस्तों दो बंदे कहाँ कहाँ नॉक पड़े थे इस चीज़ का लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ तक तुम्हारे भाई के 6 किल हो गए थे, 7 बंदे अभी भी लाइव जिसमें से एक हम यानी कि 6 एनिमीज और 2 वो बंदे जिनको हमने पहले ही नॉक करके रखा हुआ था, और जिसमें से एक के लिए देखो तुम्हारे भाई को यहाँ पर मिल गया। अब बारी है दोस्तों जोन में जाने की और आगे अगले बंदों से जो है ना वो फाइट लेने की, तो देखो तुम्हारा भाई अकेले आगे क्या तुम लोगों को भी फाइट दिखाने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नेक्स्ट फाइट सीन की तरफ आ जाओ मेरे साथ। अरे पवा जी, लिटरली तुम्हारे भाई की यहाँ पर पेटी बनते बनते बच गई, और दोस्तों ये वही बंदा था जिसको हमने इवेंट पे भी मारा था, और इसी बंदे की अगेन तुम्हारे भाई के हाथों पेटी बनी। यार इस बंदे की भी हेल्थ काफी लो थी, जैसे कि तुमने देखा कि तुम्हारे भाई की भी हेल्थ जो थी ना वो ऑलमोस्ट 0 थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बंदे थे ना, देखो यार वो क्या ही तुम्हारे भाई से ओपीफाइड लेते हैं। 1 vs 2 यहाँ पर होने वाला अगेन, बहुत ही चेस वाली फाइट होने वाली है, तो तुम लोगों को ज्यादा टाइम बोर नहीं करता मैं, बिना टाइम वेस्ट कीजिए नेक्स्ट फाइट सीन की तरफ आ जाओ मेरे साथ। अब देखो फ्रेंड, जो बंदे होते हैं ना बहुत ही डेढ़ जाने किस्म के बंदे होते हैं, जोन बहुत छोटा होता है, बंदा डांसिंग लाइन बनता है, मुझे स्पॉट करने के लिए ना पूरा मैप छान मारता है। जैसे तुम्हारा भाई स्पॉट होता है ना, ये बंदे रिच पकड़ लेते हैं, और आगे की फाइट तुम लोग देखोगे क्या ही ओपी किस्म की होने वाली है। देखो दोस्तों इन बंदों के पास पहले तो रिच का कवर, दूसरा दोस्तों ये बंदे जोन में बैठे पड़े, तुम्हारे भाई ने यहाँ क्या ही ओपी किस्म का 1 vs 2 निकाल कर ये चिकन अपने नाम किया, वो भी 11 किल्स के साथ। दोस्तों कैसा लगा तुम लोग अपने भाई का ये ओपी वाला विनर चिकन डिनर, तुम लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई वीडियो पे एक लाइक तो जरूर ठोके जाना, चैनल पर अगर न्यू होना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट ओपी वाली ग्रेट ओपनिंग की वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।